एक्साइटेड मत हो। हम क्या करते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। देखी योग देखा, बड़ा महापुरुष राजयोग देखा, बताना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं। उसको देखो, उसको समझो। कोई व्यक्ति आपके सामने आता है, उसके तीन चार चीजों को समझो। एक ये अच्छे के लिए आया होगा, एक हो सकता है परेशानी के लिए आया होगा, हो सकता है उम्र के हिसाब से देखो कि इसकी एज क्या है, या अकेला आया है, हो सकता है मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो, क्योंकि साइकोलॉजी तो आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि डॉक्टर भी लेता है, डॉक्टर भी देखता है, आंखें पीली है, तो हो सकता है तकलीफ होगी कोई ना कोई। उसके बाद फिर उसकी कुंडली पर नजर डालना शुरू करो, तब जाकर के आपकी प्रेडिक्शन एक्यूरेट आने का योग बनेगा। अभी कितना समय है बता देना मेरे को। अब किसी के दिमाग में कोई प्रश्न इस तरह से गज के सी राजयोग से रिलेटेड है तो आप मुझसे बात कीजिए। पूछिए वेरी गुड, बैठिए। गुरु और शनि दोनों एक साथ हैं, कौन अच्छा फल देगा? भारती जी, ज्योतिष के अंदर ग्रहों के बल होते हैं, ग्रहों की पावर होती है, जिनको हम स्थान बल बोलते हैं, दृष्टि बल बोलते हैं, युति बल बोलते हैं, काल बल बोलते हैं, चेष्टा बल बोलते हैं, और एक होता है नैसर्गिक बल। नैसर्गिक बल का मतलब यह होता है कि मैं आपसे ताकतवर या आप मेरे से ज्यादा ताकतवर। जो हमारे सात ग्रह हैं मेटलाइज, जो फिजिकल पिंड है, उनमें शनि सबसे कमजोर है और बृहस्पति मध्यम बलीय है, यानी आधे लोगों से ऊपर है, आधे लोगों से नीचे, यानी सबसे कमजोर शनि होता है, उससे ज्यादा बलवान मंगल होता है, उससे ज्यादा पावरफुल बुध होता है, उससे ज्यादा पावरफुल बृहस्पति होता है, बृहस्पति से ज्यादा पावरफुल शुक्र होता है, शुक्र से ज्यादा पावरफुल चंद्रमा होता है, चंद्रमा से ज्यादा पावरफुल सूर्य होता है। अब यहां पर अगर शुक्र और बृहस्पति बैठे हो तो ज्यादा चलेगी यहां पर शुक्र की, और शनि और गुरु बैठे हो तो चलेगी ज्यादा बृहस्पति की, तो इसलिए बृहस्पति का फल ज्यादा अच्छा है। हाँ बैठिए, इसके लिए आपको दो चीजें और देखनी पड़ेगी। जो ग्रह की महादशा और अंतरदशा पे ज्योतिषी फलाद देता है, उसका फलादेश 50% एक्यूरेट हो पाएगा, जब तक वो नहीं देखेगा कि शनि की स्थिति क्या है, गोचर भी क्या है। मान लो शनि की दशा चली और शनि बल में कमजोर है, और शनि गोचर में अगर उच्च का हो गया, शनि गोचर में स्वराशि का हो गया, जैसे अभी गोचर में स्वराशि का चल रहा है, फिर स्वराशि का चलेगा, फिर कुंभ का चलेगा, तो उस कंडीशन के अंदर वो स्थिति में रहेगा। तो ये ध्यान रखिए, हमेशा कोई भी ग्रह दशा का स्वामी है, महादशा का स्वामी, अंतरदशा का स्वामी है, और उस समय पर जो अंतरदशा का स्वामी है, दोनों में आप देखिए कि गोचर में किसकी पकड़ जाता है, क्योंकि जिस दिन महादशा अंतरदशा निकलती है उसी दिन का वो गोचर भी होता है। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि बृहस्पति अच्छा फल दे और शनि पैसा ना दे। अभी आजकल जिनके शनि भाई बहन बहुत अच्छे हैं, उनको शनि बहुत अच्छा दे रहा है। जिनके शनि स्वराशि में थे, उनका शनि आज भी स्वराशि में है, और जिनका शनि आज लाभ स्थान पर, उनके लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोगों ने कोरोना काल में भी शनि के किरण में खूब पैसा कमाया, इसलिए इस सब चीजों को आप देख सकते हो। और किसी को कुछ पूछना है? बताइए। ठीक है, मेरी कुंडली में गज के सिर आज हो गया, मैं अच्छा करना चाहता हूँ, और तुम मेरे को उंगली करते रहो खाली ऐसे, तो मुझे तो टेंशन होगी अरे क्यों उंगली करके बैठे। तो अगर गज के सिर आज हो गया, शनि की उंगली खड़ी हुई है, दृष्टि लगा के बैठा है शनि, तो उसको प्रॉब्लम होगी। इसलिए कोई भी ग्रह अगर आपको दृष्टि से देख रहा है, सप्तम से देखे, तीसरी से देखे, चौथी से भी देखे, उस शुभ योग के ऊपर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएगी, उसको टेंशन क्रिएट होगा। आप जनरली मान लो यहां खड़े होकर के इधर देखते हो, तो ये मैडम इधर उधर कर लेंगे, जैसे हो रही है देखेंगे नहीं, वो पता है कि इसकी जो दृष्टि आ रही है मेरे को, सप्तम दृष्टि मुझे नेगेटिव कर रही है,
इसलिए कोई भी शुभ ग्रह के किसी भी शुभ ग्रह के योग को अगर कोई बुरा ग्रह देखता है तो उस योग की शुभता को भंग करता है। लास्ट किसी और किसी को लग रहा हो तो उसी में ट्राई। एक क्वेश्चन था, जैसे सूरज और बुध जो ज्योति कई कोई मतलब कि एस्ट्रोलॉजर की कुंडली में होती है, इसकी सूरज और बुध की ये किन लग्नों के लिए ये अच्छी होगी ये आप मुझे बताने की कृपा करें। देखिए ये सूर्य बुद्ध का बुद्धादित राजयोग की जानकारी मुझे लगता है मैंने दिनेश गुरु जी के प्रोग्राम में दी थी उज्जैन में, और ये यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ है, बुद्धादित राजयोग के नाम से है, आप यूट्यूब पे देख लीजिए, क्यों उसको दोहराने का कोई मुझे लगता है उचित नहीं है। और किसी के दिमाग में भी कोई प्रश्न आ सकता है पूछे, मैं साइंटिफिक जवाब दूंगा, फिर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, फिर आपको भट जी को, लेखराज जी को और जी डी साहब को भी सुनने को मिलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।